दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि बेलन की सेटिंग कैसे करें, क्योंकि पेपर क्या होता है कि जब मशीन चलता है तो बेलन की सेटिंग अगर आउट हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो पेपर कभी दाएं कभी बाएं भागता है। इस वजह से प्लेट जो है हमारा पूरा नहीं निकलता है, वो सारा प्लेट ख़राब हो जाता है। और अगर ख़राब प्लेट बनता है तो वो माल भी ख़राब होता है और मार्केट भी ख़राब होता है। तो इसीलिए बेलन की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इसकी सेटिंग करें आज की वीडियो में हम ये जानेंगे, क्योंकि पीछे बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए आज हम ये टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम आपको फुल सेटिंग बताएंगे कि बेलन की सेटिंग कैसे किया जाता है। तो उससे पहले, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आता हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक भी मशीन से रिलेटिव है और सेटिंग से रिलेटिव है। आपको आज हम एक ऐसा सेटिंग बताएंगे जिसमें आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बेलन की सेटिंग बहुत प्रॉब्लम देता है, पेपर इधर उधर भागता है बहुत ज़्यादा। यदि आप बेलन की सेटिंग सीख जाते हैं तो आपको माल ख़राब होने का समस्या कम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोगों का माल ख़राब होता है बेलन की ना सेटिंग होने की वजह से, तो यदि आप वो खुद कर लेते हैं तो आपका पीस ख़राब होने से बच जाए। तो दोस्तों ये मेरा मशीन का बेलन है, जैसे कि आप देख पा रही है हाइड्रोलिक का है। तो आपको हाइड्रोलिक का करना हो या फिर इसका करना हो, करेंग का करना हो, कोई सा भी सेटिंग सबका सेम होता है। तो करेंग का, जैसे मेरा ये आप देख रहे हैं, ये करेंग का है, ठीक है। ये मशीन नया है, ये अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, ये जाना है ये जहानाबाद। तो ये देखिए, ये आप कोई सा भी आप करना चाहे सेटिंग उसका कर सकते हैं, चाहे हाइड्रोलिक में हो वो या फिर करेंग वाला में है। सिंपल सा सेटिंग होता है बेलन की सेटिंग। लोग परेशान हो जाते हैं बेलन में कि इसकी हम सेटिंग कैसे करें। तो देखिए, ये जब बेलन जब भी अगर गड़बड़ हो तो आपको ये नट दोनों तरफ से पहले ढीला कर देना है। ढीला करने के बाद जब आप यहाँ बीच से बैठ के देखोगे सामने से यहाँ से, तो गैप दिखेगा दोनों साइड में बराबर। तो आपको क्या करना है कि एक बार इधर को आपको टाइट करना है और दूसरी बार में आपको इधर वाला को टाइट करना है, मतलब उतना ही टाइट करना, जितना आप इसको टाइट किए उतना ही आपको उस वाले नट को भी टाइट करना है। उसको और इसको दोनों को सेम टाइट करना है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कि मेरा जो बेलन है उसका जो गैप है दोनों तरफ से सेम बैठा है कि नहीं। उसके बाद इस तरह से आपको चला के भी देख लेना है कि ये मेरा जो बेलन है ये ढीला घूम रहा है, ये टाइट घूम रहा है या फिर नॉर्मल है। क्योंकि बेलन की सेटिंग की वजह से आपका पेपर जो है इधर उधर भागता है, कभी पेपर आपको इधर भाग जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। तो यदि आपका ये सेटिंग अगर गड़बड़ होता है, यदि आपका ये सेटिंग नहीं सही होता है, तो आप परेशान हो जाएंगे पेपर को ठीक करते करते, क्योंकि पेपर जो है इधर उधर भागता ही भागता है जब भी सेटिंग बेलन का गड़बड़ होता है। तो उसके लिए सिंपल सा सेटिंग होता है जो हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ आपको दोनों नट को खोल लेना है और खोल करके दोनों नट को बराबर बराबर आपको टाइट करना है, क्योंकि जैसे ये दोनों तरफ से होगा सेम टाइट होगा बराबर, तो ये आपका जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बेलन की सेटिंग करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना है दोनों के हिसाब से सेट करना है। उसके बाद भी समझ में आए तो क्या करना है कि इसके बीच में एक पेपर डाल देना है, ऐसे करके पेपर डाल के उसके बाद उसको अपने तरफ से खींच के देखना है। तो देखोगे कि इधर से खींचने पे कितना जोर लग रहा है, कितना दम लग रहा है, और फिर इस तरफ से डालना है और डाल के उधर से भी खींच के देखना है। फिर आपको ये देखना है कि जब हम पेपर इधर से भी खींचे और उधर से भी खींचे तो हमें किधर ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा खींचने के लिए, इधर से या फिर इधर से। यदि इधर ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा खींचने में, इधर कम, तो इधर में फिर आपको हल्का सा और टाइट कर देना है। दोनों तरफ जब खींचोगे ना, इधर से भी और इधर से भी पेपर फंसा के, तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा वजन ना कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा जोर लगाना पड़े वो चीज़। अगर वैसे करते हो तो भी सेटिंग हो जाएगा बेलन का अच्छे से, और ना तो आप हिसाब से इसको टाइट करो दोनों तरफ का इधर और उधर, तो भी सही सेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी दी गई जानकारी आपको समझ में आया होगा, और कैसे बेलन की सेटिंग की जाए वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।